नमस्कार बच्चों, वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर अपना एक तीसरा लेक्चर है। अब तक अपन ने बात कर ली थी कि ऊष्मा इंजन क्या होता है और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। आज अपन बात करेंगे कार्नो चक्कर या फिर कार्नो इंजन, इनकी दक्षता अपन ज्ञात करेंगे। ठीक बात है, तो ये लिखा देखो, कार्नो चक्कर या फिर कार्नो इंजन की दक्षता, इंजन की दक्षता। तो देखो बच्चों, ऊष्मा इंजन में जो अपन ने बात की थी, उसमें ऊष्मा इंजन की दक्षता को बढ़ाने के लिए या दक्षता ज्ञात करने के लिए या उसकी कार्यविधि ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक था सादी कार्नो। सादी कार्नो ने एक सैद्धांतिक इंजन की कल्पना की थी, उसी सैद्धांतिक इंजन को क्या कहते हैं, कार्नो इंजन कहते हैं। ठीक बात है ना। कार्नो इंजन के मुख्य भाग चार भाग हैं, उन चारों भागों की बातें अपन ने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, एक बार दोबारा बोल देता हूँ। नंबर फर्स्ट है ऊष्मा स्रोत। नंबर फर्स्ट क्या होता है, ऊष्मा स्रोत। नंबर सेकेंड है कार्यकारी पदार्थ या फिर यांत्रिक व्यवस्था। यांत्रिक व्यवस्था के रूप में अपन पिस्टन सिलेंडर काम में लेते हैं, ऐसे कुछ बताया था। तीसरा भाग है ऊष्मा सिंक और चौथा भाग है अपना स्टैंड। ठीक बात है। ये यहाँ पर कार्नो इंजन के अंदर कार्यकारी पदार्थ के रूप में आइडियल गैस काम में लेते हैं। ठीक बात है ना। इसके बाद में बात आता है, एक नाम आता है कार्नो चक्कर। क्या नाम आता है, कार्नो चक्कर। मैंने बताया था कि कार्नो इंजन के अंदर कार्यकारी पदार्थ के रूप में आइडियल गैस काम में लेते हैं, तो वहीं से शुरू करते हैं। कार्नो इंजन के कार्यकारी पदार्थ की किसी निश्चित प्रारंभिक अवस्था से, किसी निश्चित प्रारंभिक अवस्था से शुरू होकर विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों में से गुजरते हुए या फिर विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों की विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरते हुए यदि कार्यकारी पदार्थ मूल अवस्था में लौटता है तो इसी को क्या बोलते हैं, कार्नो चक्र बोलते हैं। एक बार दोबारा याद करोगे, कार्यकारी पदार्थ की या कार्नो इंजन के कार्यकारी पदार्थ की किसी निश्चित प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ होकर विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए प्रारंभिक अवस्था में पहुंचना ही कार्नो चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्नो चक्र कहलाता है। ठीक बात है ना। अब देखो, अपन बात करेंगे कार्नो इंजन की कार्य विधि। क्या बात करेंगे, कार्य विधि। जब कार्य विधि में बात करते हैं तो अपन ने बात की थी कि कार्नो इंजन है वो कार्नो चक्र पर ही आधारित है। कार्नो चक्र को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। उन चारों भागों को आप एक सूचक डायग्राम के द्वारा व्यक्त कर सकते हो। उस सूचक डायग्राम को मैं शुरुआत में बना देता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा अपन समझेंगे। ये देखो, सूचक डायग्राम का अर्थ है, इंडिकेटर डायग्राम का अर्थ है कि पी वी और टी में ग्राफ खींच रहे हो। यहाँ मैंने लिया वी यानी वॉल्यूम, यहाँ मैंने लिया पी यानी प्रेशर। शुरुआत किसी निश्चित अवस्था से शुरुआत करते हैं, तो ये अवस्था माना कि ए है। ए पर गैस का प्रेशर पी वन है और वॉल्यूम कितना है, वी वन है। फिर ये किसी अवस्था में पहुँचता है जिस अवस्था को बोलते हैं अपन बी। बी पर माना कि पी टू और वी टू है। इसके बाद में सी, और इसको थोड़ा पूरा करते हैं फिर बाद में बात करेंगे। ये लिखा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये लिखा है सी और ये डी। ए से शुरू किया, ए से बी पर पहुँचे, बी से सी पर पहुँचे, सी से डी पर और डी से दोबारा ए पर पहुँचे। तो देखो, ए से शुरू करके अपन दोबारा ए पर पहुँच गए, तो यही आपका क्या है, कार्नो चक्कर है। यहाँ पर टेम्परेचर टी वन नियत है, तो ये एक समतापी प्रोसेस होगा, यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। बी से सी तक टेम्परेचर नियत नहीं है, यहाँ का जो प्रेशर है पी थ्री और वॉल्यूम है वो कितना है, वी थ्री है। यहाँ टेम्परेचर टी टू नियत, किस प्रकार से नियत होता है अपन थोड़ी देर में बात करते हैं। इसके बाद में यहाँ का लिखा मैंने पी फोर और वी फोर, ये लिख दिया पी फोर और वी फोर, ये डी लिखा। इसके संगत नीचे जो पॉइंट है वो माना कि ए है,
इस बी के संगत नीचे जो वी एक्स पर पॉइंट है वो माना कि बी है, और सी के संगत है वो सी है, और डी के संगत है वो माना कि क्या है, डी पॉइंट है। तो देखो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, इंडिकेटर डायग्राम प्राप्त कर लिया। किस प्रकार से प्राप्त होता है अपन थोड़ी देर में बात करते हैं। मैंने एक बात बोली थी कि कार्नो चक्कर को समझने के लिए कार्नो चक्कर को चार भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम प्रक्रम जो है या प्रथम भाग जो है वो होता है समतापी प्रसार। क्या होता है? समतापी प्रसार। तो नंबर एक लिखा मैंने समतापी प्रसार, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। डायग्राम के अंदर समतापी प्रसार कहां से कहां तक है? ए से बी तक है। आप समझोगे, देखो अपन पिस्टन युक्त सिलेंडर के अंदर कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस लेते हैं। नॉर्मली यहां पर शुरुआत में अपन एक मोल गैस लेंगे। शुरुआत में क्या करते हैं कि उस सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत पर रखते हैं। ऊष्मा स्रोत पर रखोगे तो गैस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T1 के इक्वल हो जाएगा। माना जब उसका टेम्परेचर T1 होता है तब उसका प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 हो जाता है। क्या होता है यहाँ पर? प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर क्या आपका T1 हो जाता है। और माना यह आपकी प्रारंभिक अवस्था है। यह आपकी क्या है? प्रारंभिक अवस्था है। डायग्राम के अंदर इसको लिखा है ए से लिखा है, ठीक बात ना। अब क्या करते हैं, अब पिस्टन को धीरे धीरे छोड़ते हैं या उसका प्रेशर कम करते हैं। जैसे ही प्रेशर को कम करोगे तो देखो जो गैस डली हुई थी उस गैस पिस्टन पर प्रेशर लगाएगी, पिस्टन पर प्रेशर लगाएगी तो वो पिस्टन ऊपर की ओर चलेगा, यानी गैस का क्या होगा? प्रसार होगा। प्रसार होने का मतलब आयतन उसका बढ़ेगा। आयतन बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा। आप यहाँ पर गौर कर सकते हो, आयतन बढ़ रहा है, जैसे ही ए से बी की ओर जा रहे हैं तो आयतन बढ़ रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इस प्रसार के अंदर गैस खुद कार्य कर रही है। जब वो खुद कार्य करती है तो ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा Q1 लेती है। चूंकि यह एक समतापी प्रसार है, समतापी प्रसार होने के कारण यह ऊष्मा Q1 जो है वो किए गए कार्य की इक्वलेंट होगी। क्योंकि समतापी प्रसार के अंदर, समतापी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। तो मैंने यहाँ पर अगली बात क्या बताई कि स्रोत से ऊष्मा ली गई Q1, और यह ऊष्मा किसके इक्वल है? W1 के इक्वल है, किए गए कार्य के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि अपन लोग जानते हैं कि समतापी प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए DU = 0 होता है। और DU को आप 0 करोगे तो पहला जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ है, वो आपको बताता है ∆Q = DU + ∆W। ∆Q की जगह क्या लिखूंगा? Q1 0, और ये आपका कितना आ गया? W1 आ गया। कहने का मतलब है कि जितनी ऊष्मा लेगा से कार्यकारी पदार्थ है वही सारी शरीर को किस में चेंज कर देगा? ये कार्य में रूपांतरित कर देगा। अब इस समतापी प्रसार में किया गया कार्य, इस समतापी प्रसार में, इस समतापी प्रसार में गैस के द्वारा किया गया कार्य वो थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, Q1 के इक्वल है। ये लिखा Q1 W1 दैट इक्वल टू अपना फॉर्मूला था PdV। कहाँ से कहाँ तक गए? A से B लिखो या तो, या फिर A पर वॉल्यूम कितना है? V1 है, और B पर वॉल्यूम कितना है? V2 है। ज़्यादा सही रहेगा कि V1 से V2 लिखो, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन है वो V के रेस्पेक्ट में है। इसको क्षेत्रफल के पदों में लिखूँगा तो देखो आपने पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल के पदों में इस वक्र से लेकर यहाँ तक का जो छायांकित भाग है वो छायांकित भाग वो कार्य को रिप्रेजेंट करता है। तो क्षेत्रफल A B, ये स्मॉल B है, ये स्मॉल कर देता हूँ इनको, स्मॉल A, स्मॉल D, स्मॉल B और स्मॉल C। A B, स्मॉल A और कैपिटल A की बात करते हैं। यहाँ क्या है? समतापी प्रसार। तो समतापी अवस्था समीकरण, यहाँ समतापी प्रसार अवस्था समीकरण, प्रसार में अवस्था समीकरण,
और ये समीकरण दिया जाएगा पी वी इक्वल टू आर टी वन। ध्यान दें टी वन लिखा मैंने, ए से बी तक जाते हैं तो पी और बी चेंज हो रहे हैं, लेकिन टी अपना फिक्स है तो लिखा है टी वन लिखा है, ठीक बात है। तो यहाँ से पी की वैल्यू वहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये पुट करेंगे तो ये आ गया आपका क्यू वन इक्वल टू पी का मान रखने पर, या आपका क्यू वन इक्वल टू डब्ल्यू वन दैट इक्वल टू ए का वॉल्यूम वी वन है और बी का वॉल्यूम कितना है वी टू है, पी की जगह रखा आर टी वन अपॉन वी और ये लिखा डी वी, आर टी वन आपका बाहर आ जाएगा तो ये आर टी वन बाहर आ गया और ये लिखा वी वन टू वी टू और ये वन अपॉन वी और क्या लिखा डी वी। इसका समाकलन जब करते हैं तो ये आ जाएगा आर टी वन तो है ही है और ये आपका आ गया लॉग बेस ई नेचुरल लॉग और वी और लिमिट रखी वी वन टू वी टू, इसकी लिमिट रखेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा आर टी वन लॉग ई और ये लिखा वी टू अपॉन वी वन। तो ये आपका कार्य आपको प्राप्त आपने कर लिया है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट यानी संतापी प्रसार के अंदर, संतापी प्रसार के अंदर अपन यहाँ पर लिख देते हैं क्यू वन है वो बराबर प्राप्त हुआ आपके डब्लू वन के और ये आपका दिया जाता है लॉग, इसको इक्वेशन नंबर आप एक बोल सकते हो और इसको मैं इक्वेशन नंबर बोलूँगा दो, लॉग ई और ये थोड़ा रह गया आर टी वन लॉग ई और वी टू अपॉन वी वन, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई दो आ गई, ठीक बात ना। अगर बेस चेंज करना चाहो तो 2.303 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर क्या किया था कि अपन इस पॉइंट पर पहुँच गए थे, पॉइंट इस पर पहुँच गए थे, इसके बाद में जो सेकंड भाग है नंबर दो, नंबर दो जो भाग है वो रुधोसम प्रसार, रुधोसम प्रसार एडियाबेटिक एक्सपेंशन और डायग्राम के अंदर वो दिया गया है बी सी से, किसे दिया गया है बी सी से दिया गया है। पहले वाले में अपन बात कर रहे थे कि स्रोत पे है, स्रोत से उठाकर सिलेंडर को स्टैंड पे रख देते हैं, जैसे आप इस कुचालक स्टैंड पे रखोगे तो वो उसका जो दीवारें हैं वो कुचालक हैं तो वो सिस्टम है वो गैस है वो आइसोलेटेड हो जाएगी और अपना जो है यहाँ पर रुधोसम प्रक्रम अप्लाई होगा, ठीक बात ना। अब देखो स्टैंड पे रखा, रखने के बाद में पिस्टन को आपने क्या किया दाब कम करना शुरू कर दिया, दाब कम करोगे तो वो पिस्टन ऊपर की ओर चलेगा, दोबारा प्रेशर कम होगा आयतन बढ़ेगा ऐसा काम होता जाएगा, ऐसा होते होते लास्ट में उसका टेम्परेचर क्या कब तक प्रसारित होने देते हैं जब उसका टेम्परेचर टी टू नहीं हो जाए, टी टू यहाँ पर क्या है समतापी, टी टू यहाँ पर ऊष्मा सिंक का टेम्परेचर है, यानी यहाँ पर अपन ने क्या किया ये अपन थे पी टू वी टू पर थे, पी टू वी टू पर थे और स्टैंड पर रख के यहाँ पर टेम्परेचर कितना था टी वन था, स्टैंड पर रखे गैस को प्रसारित होने दिया और प्रेशर कितना हो गया उसका पी थ्री वी थ्री हो गया और यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया टी टू हो गया। यह आपका पॉइंट बी था और यह आपका पॉइंट क्या है सी पॉइंट है, ठीक बात ना। अब देखो समतापी प्रसार इस रुधोसम प्रसार के अंदर गैस के द्वारा किया गया कार्य, कार्य ज्ञात करने का वही सेम सूत्र है, मैंने लिखा इसको डब्ल्यू टू डायग्राम इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक बी से सी तक गए और क्या लिखा पी डी वी लिखा और क्षेत्रफल के पदों में लिखूंगा, क्षेत्रफल के पदों में लिखूंगा। तो देखो इस वक्र के द्वारा इसके बीच अक्ष अक्ष पर यानी वी अक्ष पर छायांकित भाग है वो करेंगे, ये भाग आ गया तो अपन लिखेंगे बी सी सी फिर बी और बी, ये आ गया ना बी सी सी और बी बी, ये अपना भाग आ चुका है। अब देखो रुधोसम अवस्था समीकरण जो है, रुधोसम अवस्था समीकरण वो शायद आपके याद है और वो होती है पी वी की पावर गामा इक्वल टू के, के अनियतांक है और गामा आपका क्या है गामा होता है सी पी अपॉन सी वी, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक रेशियो रुधोसम अनुपात बोलते हैं।
यहाँ से पी का मान उपरोक्त समीकरण के अंदर रखेंगे, साथ साथ एक बात और कर लेते हैं, बिंदु बी व सी के लिए, बिंदु बी व सी पर इसी इक्वेशन से क्या ले सकता हूँ, बी के लिए हो जाएगी आपकी पी बी पी टू वी टू की पावर गामा, और सी के लिए हो जाएगी आपकी पी थ्री वी थ्री की पावर गामा हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो कार्य कैसे याद करते हैं, ये लिखा डब्लू टू, इंटीग्रल बी पर वॉल्यूम कितना है वी टू और सी पर कितना है वी थ्री। इस समीकरण से पी का मान रखेंगे तो ये मान आ जाएगा के के बटा वी की पावर गामा गामा, और फिर क्या लिखा डी वी। यहाँ थोड़ी सी एक बात रह गई, पी वी की पावर गामा था तो बिंदु बी के लिए सी के लिए और ये किसके बराबर है के बराबर है, इसमें से के बाहर निकाल दूँ तो के बाहर आ गया, और ये लिखा आपने वी टू और वी थ्री, और ये लिखा वी की पावर गामा माइनस और डी वी। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा के वी की पावर माइनस गामा प्लस वन और माइनस गामा प्लस वन, और लिमिट है वो वी टू से वी थ्री है, वी टू से वी थ्री है। इसमें के और माइनस गामा प्लस वन ये छोड़ दिया, और फिर देखो क्या लिखा अपने, ये लिखेंगे वी थ्री, इस के को अंदर ले लेता हूँ, के वी थ्री की पावर माइनस गामा प्लस वन और माइनस के वी टू की पावर माइनस गामा प्लस वन। अब देखो यहाँ पर के दो आ गए हैं, यहाँ पर के मान यहाँ से रखेंगे थ्री वाले और यहाँ पर रखेंगे टू वाले, जिसे जो कैंसिल होना चाहिए वो कैंसिल हो जाए, तो ये लिखा देखो वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, और ये क्या आ गया आपका के की जगह रखूँगा पी थ्री और वी थ्री की पावर गामा, और बाहर क्या है वी थ्री की पावर माइनस गामा प्लस वन, ये रहा माइनस गामा प्लस वन। दोबारा रखेंगे पी टू वी टू की पावर गामा, और बाहर है आपका वी टू की पावर माइनस गामा प्लस वन, ये किया। आप गौर कर रहे होंगे वी थ्री की पावर माइनस गामा और ये प्लस गामा, ये माइनस गामा और ये प्लस गामा, और ये आपको प्राप्त हो गया वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, और ये लिखा पी थ्री वी थ्री, और ये लिखा पी टू वी टू। पी थ्री वी थ्री की जगह पर अपन आदर्श गैस समीकरण से क्या लिख सकते हैं, आदर्श गैस समीकरण से क्या लिख सकते हैं आर, देखो आदर्श गैस समीकरण होती है आपका पी वी इक्वल टू आर टी, आर टी होती है। थ्री वाले पॉइंट यानी सी वाले पॉइंट पर थ्री थ्री आर है ही टी, वहाँ टेम्परेचर कितना है टू है, वहाँ टेम्परेचर कितना है टू है, तो आप क्या कर दोगे टू कर दोगे, ठीक बात है ना। तो देखो इस प्रकार से लिखेंगे, किया गया कार्य आपका प्राप्त हो गया डब्लू टू इक्वल टू वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, और पी थ्री वी थ्री की जगह आ गया आपका आर टी टू माइनस आर टी वन, पी टू वी टू की जगह क्या है आर टी वन प्राप्त हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर बाहर आ गया आपका आर टी टू माइनस टी वन, और इसमें माइनस बाहर निकाल लूँ तो यह आ गया आपका गामा माइनस वन आ जाएगा। इस प्रकार से आपका इक्वेशन नंबर थर्ड यह हो गई, थर्ड क्षेत्रफल वाले बोल दो ये फोर बोल दी, तो ये नंबर दो लिखा मैंने रुधोसम प्रसार में, रुधोसम प्रसार के अंदर डब्लू टू है वो आपका कितना आ गया माइनस आर तो बाहर है ही, और टी टू माइनस टी वन अपॉन गामा माइनस वन आपको प्राप्त हो गया। अब देखो जब गैस स्टैंड पर रखते हैं रुधोसम प्रसार हो जाता है तो लास्ट में गैस की स्थिति ये हो जाती है कि वो स्वयं कार्य करने की स्थिति में नहीं रहती है, स्वयं कार्य करने की स्थिति में नहीं रहती है। थोड़ा सा इसको और लिख देता हूँ थोड़ा ठीक से, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ आर टी वन माइनस टी टू अपॉन गामा माइनस वन। इसमें गलती ये थी कि यहाँ गैस स्वयं कार्य कर रही है, स्वयं कार्य कर रही है तो ये आपको पॉजिटिव प्राप्त होना चाहिए, ये लिखता हूँ तो ये भी पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि टी टू में से टी वन घटाएंगे तो आपको नेगेटिव प्राप्त होगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों ये सही है। यहाँ प्लस कर दिया और ये वन और ये क्या कर दिया टू कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं लास्ट में पॉइंट नंबर थर्ड पे बिंदु सी पर
सिलेंडर पिस्टन युक्त सिलेंडर को स्टैंड से उठाकर सिंक पर रखते हैं। चूंकि गैस स्वयं कार्य करने की क्षमता है नहीं तो पिस्टन को दबाते हैं। पिस्टन को जैसे दबाएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, आयतन क्या होगा, कम होगा, और ऐसी इस स्थिति में गैस का समतापी संपीड़न होगा। समतापी संपीड़न होगा क्योंकि जो भी अतिरिक्त ऊष्मा होगी वो उस निकाय के द्वारा, उस गैस के द्वारा सिंक में त्याग दी जाएगी। दोबारा यहाँ पर समतापी संपीड़न है तो देखो, निकाय पर किया गया कार्य बराबर त्यागी गई ऊष्मा, किसमें, सिंक के अंदर त्यागी गई ऊष्मा। तो यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो अपन करते हैं। तीसरा पॉइंट है समतापी संपीड़न। डायग्राम के अंदर ये बात है अपनी सी डी की, क्या क्या था इसमें, समतापी संपीड़न करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर एक बात बोल रहा हूँ, समतापी संपीड़न है तो यहाँ त्यागी गई ऊष्मा Q2 वो किसके बराबर होगी, किए गए कार्य के बराबर होगी। किए गए कार्य किसका, गैस के ऊपर किया गया कार्य, और इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 से। क्या लिखूँगा, दैट इक्वल टू आर, यहाँ टेम्परेचर कितना है, T2 है, फिर लिखा लोग आधार ई, इसके बाद में V2/V1 अंतिम वॉल्यूम बटा प्रारंभिक वॉल्यूम, तो यहाँ का वॉल्यूम कितना है V4 और पहले का कितना है V3, तो ये आपके पास प्राप्त होगी। नंबर 3, ये देखो आपका नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है, इसको सोल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगी, V4 कम है, V3 क्या है, ज़्यादा है। इसको और क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल के पदों में लिखना चाहें तो क्षेत्रफल के पदों में इस ग्राफ के द्वारा इस अक्ष के बीच में जो छायांकित भाग है तो लिखेंगे C, फिर बाद में D और फिर D और ये C लिखा, C, C, D, D और फिर C, इसके बीच का जो क्षेत्रफल है वो इस समतापी प्रसार, समतापी संपीड़न में किए गए कार्य के इक्विवेलेंट होगा। इसमें मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी, ये निकाय पर किया गया कार्य किसके बराबर होगा, त्यागी की ऊष्मा के बराबर होगा। नंबर चार आपका, बिंदु डी पर पहुंचने के बाद में दोबारा अपन क्या करते हैं, उस पिस्टनयुक्त सिलेंडर को स्टैंड पर रखते हैं जिससे वो सराउंडिंग से क्या हो जाता है, आइसोलेटेड हो जाता है। फिर क्या करते हैं, उसको दबाते हैं पिस्टन को दबाएंगे, और तब तक दबाते हैं जब तक कि आपका अवस्था ए प्राप्त नहीं हो जाए, प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं हो जाए। तो ये आपका रुधोसम संपीड़न, और कहाँ से कहाँ तक है, डी से ए तक है। तो इसमें किया गया कार्य W4 सूत्र तो वही है, D2A PdV, और क्षेत्रफल की बात करूँगा तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा DDA A और कैपिटल D, DDA A और कैपिटल D, इसके ये बीच का क्षेत्रफल, ठीक बात ना। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो, R प्रारंभिक ताप यहाँ पर क्या है, T2 - T1/γ-1। देखो इसके अंदर लिखा प्रारंभिक ताप माइनस अंतिम ताप, आप D से A पे जा रहे हो तो A का ताप कितना है, D से A पे जा रहे हो तो प्रारंभ यहाँ हो गया, तो यहाँ का टेम्परेचर T2 है और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, T1 है, तो इसलिए वहाँ चेंज होकर क्या हो गया, T2 - T1 हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये आपका नेगेटिव आएगा, क्यों, अगर T2 तो कम होता है, T1 हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -R, और ये लिखा T1 - T2/γ-1। इस प्रकार से ये आपके कुछ समीकरण आ गए जिसमें 1, 2 इनको दे दिया, क्षेत्रफल वालों को दे देंगे, और अब ज्ञात करेंगे कुल कार्य। आगे बात